हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी यहाँ पे जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड की तरफ से बम्पर भर्ती का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और ये कंपनी आपके थर्मल पावर सेक्टर में काम करती है। यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 2024 में पास आउट होने वाले हैं तो भी एलिजिबल रहेंगे। 2024 से पहले पास आउट हो चुके हैं और आप फ्रेशर हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप में से किसी के पास एक्सपीरियंस है तो वो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। 1319 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसके अंदर यहाँ पे मैक्सिमम पद फ्रेशर के लिए रहेंगे और कुछ पद यहाँ पे एक्सपीरियंस वालों के लिए भी देखने को मिल जाते हैं। परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा बढ़िया सैलरी के साथ। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ इसी बात पर यार, एक लाइक तो बनता है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, कौन कौन से ट्रेड इसको अप्लाई कर सकते हैं, जॉब लोकेशन क्या रहेगा, सैलरी आपको कितना मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आपने यहाँ पे आईटीआई कर रखा है अप्लाई कर पाएंगे, डिप्लोमा कर रखा है आप एलिजिबल हैं, बीटेक कर रखा है या फिर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। ऑल ट्रेड एलिजिबल है, ऑल ब्रांच यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे अलग अलग टाइप की पोजिशन रहेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो टेक्नीशियन के पदों के लिए वैकेंसी है, सुपरवाइजर के पद आपको देखने को मिलेंगे, साइट इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ट्रेनिंग इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी जिसमें आपका डीटी का पोजीशन रहेगा, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का, जीटी का पोजीशन रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले पद आपको देखने को मिल जाते हैं जैसे कि सीनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, ये सारे पद आपको देखने को मिलेंगे। तो अप्लाई प्रोसेस को जान लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। उससे पहले वीडियो के लाइक के टारगेट को कंप्लीट करवा देना है जो कि टारगेट रहेगा यहाँ पे 900 प्लस लाइक का। और अपने दोस्तों के अंदर भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके जरूर से बता देना, जैसे कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका ट्रेड कौन सा है, आपका पास आउट ईयर कौन सा है, आप कौन सी लोकेशन में जॉब को सर्च कर रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें मुझको बताएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा जो आपने मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता रखा है। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक ही जगह सारे प्लेटफॉर्म के लिंक मिल जाएंगे, जैसे कि आप जो भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, लिंक्डइन का, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, व्हाट्सअप का, फेसबुक का, किसी का भी यूज़ करते हैं आप वहाँ पे हमको ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं, कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अप्लाई का प्रोसेस क्या रहने वाला है उसके बारे में। तो वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और यहाँ पे जो स्टेप बता रहा हूँ उनको फॉलो करेंगे तब आप आराम से इसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो वन बाय वन हम सारी वैकेंसी को डिस्कस करेंगे। पहले एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको फ्रेशर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी ये वैकेंसी अपडेट दी गई है यहाँ पे लिंक्डइन की तरफ से। तो अगर आपने लिंक्डइन पे हमको फॉलो नहीं कर रखा है जाके फॉलो कर लीजिएगा। पर डे मैं वहाँ पे 10 से 15 जॉब्स अपडेट अलग अलग ब्रांच से रिलेटेड, अलग अलग क्वालिफिकेशन से रिलेटेड वहाँ पे अपडेट देता रहता हूँ। तो जाके हमको ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, आपको अपडेट मिलती रहेगी। और कोई भी डाउट है तो लिंक्डइन में मुझको मैसेज भी कर पाएंगे। ये जो वैकेंसी अपडेट दी गई है तेजा कुमार के द्वारा वैकेंसी अपडेट दी गई है। अब तेजा कुमार यहाँ पे रहेंगे डिप्टी मैनेजर एचआर, ये रहने वाले हैं जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड के। इन्होंने ही यहाँ पे 14 घंटे पहले ही अपडेट दिया है। और मैंने आपको पहले बताया था कि पहले हम एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको फ्रेशर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप की वैकेंसी है। कंपनी जो आपका रहेगा जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड, ये कंपनी आपका रहने वाला है। इनके 600 मेगावाट के 2 प्लांट यहाँ पे है जो कि आपका अंगुल उड़ीसा के अंदर ये चल रहे हैं, अभी रन कर रहे हैं। और यहाँ पे जॉब लोकेशन सीधी सी बात है भाई, अंगुल उड़ीसा का आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे आपको रिलोकेट होना पड़ेगा, तो आप देख लीजिएगा अगर आप रिलोकेट हो सकते हैं तो ही इसको अप्लाई करिए। और यहाँ पे अलग अलग टाइप की वैकेंसी है,
देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का और सीनियर एग्जीक्यूटिव का स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है, इसके अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और इसके अलावा यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव का और असिस्टेंट मैनेजर का वैकेंसी है, स्टोर डिपार्टमेंट में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। फ्रेशर की भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। और उसके अलावा यहाँ पे आपका यहाँ पे जो रहेगा डेस्क ऑपरेटर का वैकेंसी है, जिसके अंदर एक्सपीरियंस 5 साल का मांगा है। और ये जो काम चल रहा है यहाँ पे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल यूनिट पे काम यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे उसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब बात की जाए कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, प्लीज़ मेंशन योर सीटीसी, जो आपका करंट सीटीसी है उसका डिटेल, होम टाउन, ठीक है। और आपको शेयर करना पड़ेगा अपना सीवी कहाँ पे, ये जो ईमेल आईडी दे रखा है ना, इस ईमेल आईडी पे अपने रिज्यूम को, अपने सीवी को शेयर कर सकते हैं इनको। आपको ईमेल करने का तरीका तो आता ही होगा, वैसे नहीं आता तो मैं आपको बता दूंगा आगे वीडियो के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इस ईमेल आईडी पे आप अपना रिज्यूम में यहाँ पे शेयर कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कुछ बातों का। सबसे पहले तो आपका जो यहाँ पे टाइटल रहेगा वो आपका पोजीशन रहेगा कि आप कौन सी पोजीशन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी बात, कवर लेटर बहुत ज़रूरी होता है। डायरेक्टली आप कैसे नहीं कि ईमेल कर देना है, कवर लेटर अटैच करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ईमेल करना है, ठीक है। तो अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आपको ये सारी चीज़ें नॉर्मली सबसे पहले अच्छे से पता होगी, आप डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। कवर लेटर मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया, जिसका लिंक मैंने आपको डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है, वहाँ पर चेकआउट कर लेना। टेलीग्राम की पिन पोस्ट पे मिल जाएगा आपको कवर लेटर का लिंक। अब बात करते हैं फ्रेशर की वैकेंसी के बारे में, तो ये मैं डायरेक्टली आ चुका हूँ यहाँ पे जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड की ऑफिशियली वेबसाइट पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे वैकेंसी है फ्रेशर का, फ्रेशर वालों के लिए। कैसे अप्लाई करना है, मैंने डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि मैंने कैरियर वाले जो पेज पे डायरेक्टली मैंने टैप कर रखा है, उसको मैंने यहाँ पे प्रेस कर रखा है, तो इसका कलर चेंज हो गया है। तो आप डायरेक्टली कैरियर वाले पेज पे आ जाएंगे, इस पे टैप करेंगे तो देन फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जो आपका सीवी है, आपका रिज्यूम है, डायरेक्टली यहाँ पे सबमिट कर देना है। और यहाँ पे साइड में दे रखा है कि जहाँ पे स्टार मार्क दे रखा है वो आपका मैंडेटरी रहेगा, स्टार मार्क जहाँ पे दे रखा है जिस ऑप्शन के आगे वो आपका मैंडेटरी रहेगा। तो चलिए हम इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपका नाम आएगा यहाँ पे जो बॉक्स है, उसमें आप अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस आएगा, ध्यानपूर्वक ईमेल एड्रेस को यहाँ पे डाल दीजिएगा, गलत ईमेल एड्रेस मत डालिएगा। अगर आपका ईमेल एड्रेस गलत होता है तो अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा फिर भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एचआर आपसे कनेक्ट होगा उसी ईमेल आईडी से कनेक्ट होगा जो आपने यहाँ पे पुट कर रखी है, जो यहाँ पे डाल रखी है, तो ध्यानपूर्वक ईमेल आईडी को डाल देना है। उसके बाद आता है कि यहाँ पे टेलीफोन नंबर, देखिए टेलीफोन है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे स्टार मार्क नहीं दे रखा, उसको खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे पूछा टेलीफोन होम का, तो यहाँ पे आप NA फिल कर सकते हैं या फिर 00 फिल कर सकते हैं, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे टेलीफोन होम के आगे स्टार मार्क दे रखा है, उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। उसके बाद आता है यहाँ पे एजुकेशन बैकग्राउंड, यहाँ पे पूछा है कि लास्ट मैं यहाँ पे जस्ट मेंशन लास्ट 2 डिग्री, जैसे कि मान लेते हैं कि आपने ITI कर रखा है। अब ITI से पहले आपने क्या किया होगा, 10th किया होगा, उसके बाद ही तो आपने ITI किया होगा, या फिर आपने कर रखा है मान लेते हैं कि डिप्लोमा कर रखा है, तो डिप्लोमा से पहले आपने किया होगा 10th, तो आपको 10th और डिप्लोमा मेंशन कर देना है। अब मान लेते हैं कि आपने BTech कर रखा है, अब BTech से पहले आपने क्या किया होगा, 12th किया होगा, तो आपको 12th और BTech डाल देना है। अब BTech से पहले एक और यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है कि आपने BTech से पहले डिप्लोमा भी किया होगा, तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे इस बॉक्स में, BTech का फिल करेंगे और डिप्लोमा का फिल करेंगे। अगर आपने BTech से पहले डिप्लोमा कर रखा है और BTech से पहले अगर आपने 12th कर रखा है तो 12th और BTech का फिल करेंगे। लास्ट 2 डिग्री आपको मेंशन करनी है। MTech कर रखा है तो MTech से पहले BTech किया होगा तो BTech और MTech फिल करेंगे यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके बाद आता है यहाँ पे कैटेगरी ऑफ अप्लीकेशन, कौन सी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस पर यहाँ पे दे रखा है, तो इस पर आपको टैप करना है। बहुत सारी वैकेंसी है तो सारी वैकेंसी को तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का है यहाँ पे, टेली मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का है, मार्केटिंग प्रोफेशनल का है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रेनी का पोजीशन है ये देखिए, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। तो आप अप्लाई करेंगे, आपने ITI कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, BTech कर रखा है, तो आप ट्रेनिंग की पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे, टेक्नीशियन ट्रेनिंग की पोजीशन, यहाँ पे आपका डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजीशन, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजीशन, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग सेलेक्ट कर ली है। अब आता है टेक्निकल बैकग्राउंड, कि आपका टेक्निकल बैकग्राउंड क्या है।
अगर आपने आईटीआई कर रखा है फिटर से, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन से, तो वो डाल सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से, तो यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपने बीबीटेक कर रखा है आपकी जो भी ब्रांच है, तो वो डाल सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है कि नंबर ऑफ मंथ ऑफ एक्सपीरियंस कितना एक्सपीरियंस है, तो अगर आप फ्रेशर है तो यहाँ पे 00 फिल कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर ट्रेनी सिलेक्ट की है और आपको पता होगा कि ट्रेनी के लिए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पूछा है यहाँ पे ब्रीफली मेंशन इन डिस्क्राइब आपका जो डिसेंडिंग ऑर्डर द लास्ट 3 जॉब पोस्टिंग हेल्ड बाय यू, तो आपने जो लास्ट 3 जॉब की है उसके बारे में मेंशन करना है। देखिए अगर आप फ्रेशर है तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, NA और यहाँ पे आपको NA फिल कर देना है अगर आप फ्रेशर है तो। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने 3-4 साल काम कर रखा है, तो आप अपनी जॉब का ब्यौरा यहाँ पे बता सकते हैं कि आपने कौन कौन सी सेक्टर में काम कर रखा है, कौन कौन सी पोजीशन पे काम कर रखा है, उसके बारे में नॉर्मली बता सकते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी लैंग्वेज आपको पता है, तो यहाँ पे आपको जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका जो भी लोकल लैंग्वेज हो गया, तो वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे आपका सैलरी एक्सपेक्टेड, कितना एक्सपेक्ट करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आईटी वालों के लिए जो सैलरी रहता है वो 3.5 लाख रुपये मैक्सिमम रहता है, डिप्लोमा वालों के लिए जो सैलरी रहता है वो आपका 4.5 लाख रुपये रहता है, और बीबीटेक वालों का सैलरी यहाँ पे मैक्सिमम 5.5 लाख रुपये रहता है। इतना सैलरी अगर आप यहाँ पे यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आता है कि कौन सी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, तो इंडिया है, सिटी कौन सी है वो आप पुट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्रीफली मेंशन आपको यहाँ पे अपने बारे में बताना पड़ेगा, कंपनी के बारे में, ठीक है, जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड के बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, तो आप उसका ब्यौरा देख सकते हैं, चैट GPT आराम से कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला, तो आप न्यूज़पेपर कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ न्यूज़पेपर आर्टिकल। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका अटैच रिज्यूम, तो यहाँ पे आपको अपने रिज्यूम को अटैच कर देना है, फाइनली सबमिट वाला बटन है, इस पर क्लिक करके आप सबमिट कर सकते हैं। जो आपका रिज्यूम में रहेगा वो आपका PDF की फॉर्मेट में रहेगा, तो ध्यानपूर्वक यहाँ पे अटैच करेगा। ये आपका फॉर्म सबमिट हो गया फ्रेशर का, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर भी मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ एक बारी के लिए। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, देखिए यहाँ पे आपने इनको कॉन्टैक्ट डिटेल दी है, ईमेल एड्रेस दी है, ठीक है, तो ईमेल एड्रेस आपने दे रखा है, दूसरा आपने यहाँ पे रिज्यूम में डाल रखा है, तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका रिज्यूम में शॉर्टलिस्टेड हो जाता है, तो डायरेक्टली यहाँ पे असेसमेंट नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कोई असेसमेंट आपका नहीं होने वाला, डायरेक्टली अगर रिज्यूम शॉर्टलिस्टेड होता है तो सारा खेल डिपेंड करता है आपके रिज्यूम पे, CV पे, ठीक है। उसके अंदर बढ़िया की स्किल्स अच्छे से मेंशन करिएगा, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रखा है उसके बारे में डाल सकते हैं, कुछ एक्सपीरियंस के बारे में डाल सकते हैं, अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस आपने वो ले रखा है तो उसके बारे में डाल सकते हैं। रिज्यूम आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तो रिज्यूम पे आपका डिपेंड करेगा सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो जैसे ही आपका रिज्यूम यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड होता है, तो इनकी तरफ से जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड की तरफ से आपको डायरेक्टली जो आपने ईमेल आईडी डाला है उस ईमेल आईडी पे एक ईमेल आएगा कि आप कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हो चुका है। देन फिर आपको वहाँ पे एक वेन्यू मेंशन किया रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑफलाइन इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू आपका नहीं होगा, तो वेन्यू मेंशन किया रहेगा, तो वेन्यू और डेट और टाइम आपका मेंशन रहेगा, तो वहाँ पे आपको जाना है, जिस डेट पे मेंशन कर रखा है, जिस टाइम पे मेंशन कर रखा है, और जो वेन्यू है वहाँ पे डॉक्यूमेंट बोले गए होंगे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड करके उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके वहाँ पे आपको चले जाना है और अपने वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड कर लेना है। सैलरी यहाँ पे आपका ठीक ठाक रहता है, अप्लाई कर दीजिएगा, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।